दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2020 को लेकर टॉप 5 लेटेस्ट न्यूज़ की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्या क्या खबरें जो हैं लेटेस्ट यहां पर आईपीएल 2020 से रिलेटेड निकल कर आ रही हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी आईपीएल के फ़ैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतज़ार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं आईपीएल 2020 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर ज़रूर दें। सबसे पहली खबर जो है वो निकल कर आ रही है दोस्तों मुंबई से, जहां पर मुंबई के 27 साल के क्लब बोलर करण तिवारी ने जो है यहां पर सुसाइड कमिट कर लिया है। रीजन की दोस्तों अगर बात करें तो उनका सिलेक्शन आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जो है वो नहीं हुआ था, ऑक्शन में उनका नाम जो है वो नहीं आया था, जिसकी वजह से वो काफी लंबे समय से डिप्रेशन में थे और यहां पर उन्होंने जो है फाइनली कमिट कर लिया है सुसाइड। तो ये काफी बुरी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की जो कि आ रही है आईपीएल 2020 से रिलेटेड, जहां पर आपको बता दें कि नाडा यहां पर सभी प्लेयर्स का डोप टेस्ट जो है कंपलसरी कर दिया है। जी हां, आईपीएल 2020 से पहले सभी प्लेयर्स के डोप टेस्ट होंगे और उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगली अपडेट की दोस्तों बात करते हैं, जहां पर बात करते हैं अफ्रीकन प्लेयर्स की, तो बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आई है। 1 सितंबर से पहले सभी अफ्रीकन प्लेयर जो है वो यूएई पहुंचने वाले हैं और अपनी अपनी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। लंबे समय से सवाल बना हुआ था कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर कब यहां पर ज्वाइन करेंगे टीमों को, क्या वो स्टार्टिंग के मैचेस मिस करेंगे, तो बड़ी अपडेट आ चुकी है और 1 सितंबर से पहले सभी प्लेयर्स जो हैं यूएई पहुंचने वाले हैं। अगली अपडेट की दोस्तों बात करते हैं, जहां पर बात करते हैं नए टाइटल स्पॉन्सर की, तो काफी सारे ब्रांड जो हैं वो यहां पर रेस में बने हुए हैं, लेकिन यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है वो निकल कर आई है कि अमेजन जो है वो हो सकता है यहां पर टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल 2020 के लिए, यानी कि सबसे आगे रेस में जो है वो है अमेजन। आपको क्या लग रहा है, क्या अमेजन सही रहेगा या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अब बात करें दोस्तों आखिरी अपडेट की, तो वो आ रही है आईपीएल 2020 के नए शेड्यूल को लेकर या फिर पूरे शेड्यूल को लेकर, जहां पर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जब टीमें यूएई के लिए रवाना होंगी उससे पहले ही बीसीसीआई जो है पूरा शेड्यूल अनाउंस करने वाली है, यानी कि जल्द हमें आईपीएल 2020 का पूरा शेड्यूल देखने को मिलने वाला है। तो ये 5 लेटेस्ट अपडेट दोस्तों यहां पर निकल कर आ रही थी जो कि हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।